फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे आधा कप फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड ज़रूर डालिएगा, इससे इसमें स्टिकीनेस आएगी। इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी, पर धीरे धीरे डालेंगे। पहले थोड़ा पानी डालें, फिर थोड़ा बाद में डालेंगे। टोटल आधा कप पानी जाएगा इसमें। फिर अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पम्पकिन सीड्स। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप सनफ्लावर सीड्स। एक टेबल स्पून डालेंगे बेसन ग्राम फ्लोर। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक या हसबे जायका नमक। मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला है। सारी चीज़ों को मिलाएं, मिक्स करें। पानी टोटल आपको आधा कप ही इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये देखें, इसमें स्टिकीनेस जो है ना, वो फ्लैक्स सीड्स की वजह से है, तो वो ज़रूर डालिएगा। तो टोटल आधा कप पानी डालेंगे धीरे धीरे करके, मेजरमेंट्स करके। इसे मिक्स करें, 15 मिनट इसको रेस्ट दें ताकि ये फूल जाए, फ्लैक्स सीड्स और नरम हो जाएं और बाइंडिंग आ जाए। 10 मिनट रेस्ट दें, 10 से 15 मिनट, जब तक हम हुमस बना लेते हैं। इसमें डालें एक टेबल स्पून ताइनी पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बॉयल्ड चिक पीस, बॉयल्ड चना, शोले जिसे बोलते हैं। इसमें डालें एक छोटा चम्मच नींबू का रस और नमक डालेंगे आधा छोटा चम्मच या हसबे जायका नमक। अब हम इसमें डालेंगे, तो यहाँ पे ये देखें, ये फूल गया है। इसे अब हम बेक करते हैं। देखें कितना ग्लू जैसा बन गया है, ये फ्लैक्स सीड्स की वजह से ये ग्लू जैसा बन गया है, वो फूल गया है। अब हम इसको बेकिंग ट्रे में डालेंगे और इसे स्प्रेड करेंगे पतला 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 पतला। इसको स्प्रेड करेंगे और इसको बेक करेंगे 180 सेल्सियस पे 40 मिनट्स के लिए। और 20 मिनट पकाने के बाद इसके ऊपर कट्स लगाइएगा चाकू से, ताकि ये पकने के बाद आराम से अलग हो जाए। मैंने 20 मिनट बाद पकाया, फिर उसके बाद कट्स लगाए और फिर 20 मिनट और बेक किया। टोटल 40 मिनट्स मैंने इसे बेक किया 180 सेल्सियस पे। अब ये देखिए, हुमस में मैंने लहसुन ली थी, एक छोटा चम्मच लहसुन ली फ्रेश, और 2 टेबलस्पून वेजिटेबल कुकिंग ऑयल लिया, उसको पकाया, और ये तेल लहसुन वाला मैंने इसमें डाल दिया। मैं लहसुन पका के डालती हूँ हुमस में। इसमें थोड़ा पानी डालें और ब्लेंड करें हुमस को। आप चाहें तो कच्चा लहसुन डाल सकते हैं और कच्चा तेल। मैं तेल और लहसुन पका के डालती हूँ। हुमस रेडी है हमारा, सर्व कर लेते हैं इसको बाउल में। और क्रैकर्स भी रेडी हैं, उसको भी सर्व कर लेते हैं। ये देखें, क्रैकर बेक हो गया है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। थैंक यू, इसे सर्व करें हुमस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट। थैंक यू।